सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि संसद ने इस बारे में एक प्रस्ताव पास कर दिया है। महुआ के खिलाफ ये एक्शन कैश फॉर क्वेरी केस में लिया गया है। बता दें कि शुक्रवार को लोकसभा में एथिक्स कमेटी ने महुआ के खिलाफ जांच रिपोर्ट को पेश किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं लोकसभा में इस दौरान क्या कुछ गतिविधियां हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, हम आपको वो दिखाते हैं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न ये, सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महुआ मोइत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने नैतिक आचरण की शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है। जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री महुआ मोइत्रा के निशान समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। सर, आई मूव द फॉलोइंग विथ योर परमिशन दैट दिस हाउस हैविंग टेकन नोट ऑफ फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन एथिक्स ऑन कंप्लेंट गिवन बाय डॉक्टर निशिकांत दुबे एमपी अगेंस्ट श्रीमती महुआ मोइत्रा एमपी wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the house for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal to unauthorized person and its irrepressible impact on the national security, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. Accept above recommendation and findings of the committee and resolve that continuance of Srimati Mohua Mitra as member of parliament, member of Lok Sabha is untenable and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha. अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न है कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निरीक्षकों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो आपने लोकसभा की उस कार्यवाही को सुना, जिसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी शिकायत में महुआ मोइत्रा पर उपहार के बदले व्यवसायी दर्शन हीरा नंदानी के इशारे पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था।
दुबे ने कहा कि आरोप सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के पत्र पर आधारित थे जो उन्हें मिला था, जिसमें महुआ मोइत्रा और व्यवसायी के बीच रिश्वत के लेन देन के कई सबूत मौजूद थे। वहीं निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद आज जो है बड़ा फैसला ले लिया गया है और जो सदस्यता है महुआ मोइत्रा की वह खत्म कर दी गई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दर्श न्यूज के साथ।